हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कह रहा है कि ऊर्जा संचय का अर्थ क्या है। ऊर्जा का उत्पादन व नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता पर नष्ट किया जा सकता है, या ऊर्जा का ना उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊर्जा को ना ही उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, कभी हम उससे उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहे कि गतित ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, यानी इनमें से गतित ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है काइनेटिक एनर्जी का। ऑप्शन आपके पास चलती हुई तार, सॉरी कार, चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर गढ़, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, या इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ये सभी एग्जाम्पल्स काइनेटिक एनर्जी गतित ऊर्जा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित रखता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कर का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या न्यूटन का नियम। यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पास्कर के नियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में किसका मात्रक वही है जो गतित ऊर्जा का है, संवेग का, दाब का, बल का या कार्य का। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्य का और गतित ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वातावरणीय दाब को किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या अल्टीमीटर से। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बैरोमीटर, बैरोमीटर से वातावरणीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई मात्रक है, गॉस, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड या न्यूटन पर कूलाम मीटर सेकेंड सेकेंड की पावर -1। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है कौन सा है? प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधी गुण या आकर्षण का गुण। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी, दिशा संबंधी गुण। चुंबक के महत्वपूर्ण गुण जो है दिशा संबंधी गुण, इसे नाविक तथा यात्री प्राचीन काल से ही डायरेक्शन पता करने में यूज करते हैं, क्योंकि जो चुंबक होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव हो जाता है। उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ हो जाता है, दूसरा पोल जो होता है वो साउथ की तरफ हो जाता है, जिससे कि दिशा पता करने में जानकारी होती थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब इस पर उच्च यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाता है, इस पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या इसे अत्यधिक समय के लिए भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसे जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है या उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना कैसा क्षेत्र होता है। यानी अगर हम किसी दंड चुंबक को घुमाते हैं उसे हम टेढ़ी छोड़ देते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा, तो ये क्या दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना क्या है, कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र या वायुमंडलीय क्षेत्र। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, भारतीय मानक संघ द्वारा या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। यह जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, मीटर, किलोग्राम, केल्विन या क्यूबिक मीटर। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी जो है क्यूबिक मीटर, ये एक मौलिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी पेंच का पिच है तथा एन हेड स्केल पर विभाजनों की संख्या है, तब स्क्रू गेज की लघुत्तम माप होगी। यानी पी क्या है? पेंच का पिच है और एन हेड क्या है? स्केल पर विभाजनों की संख्या है। तो स्क्रू गेज की लघुत्तम माप क्या होगी? पी बाई एन, एन बाई पी, एन पी या वन अपॉन एन पी। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पी बाई एन। इस क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसका मात्रक है, चुंबकीय बल का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई यूज करते हैं, यानी जो विद्युत प्रतिरोध होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जूल का, ओम का, एम्पियर का या वोल्ट का। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ओम, ओम का हम यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष से क्या तात्पर्य है, सबसे लंबा वर्ष, ध्रुवीय क्षेत्रों में धूप निकलने वाले दिनों की संख्या, दूरी मापने की इकाई, या एक वर्ष में संचालित हर प्रकाश का परिणाम। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम क्या करते हैं, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, त्वरण की, वेग की, शक्ति की या ऊर्जा की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, डी, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में विद्युत की खपत का मापन करने की इकाई क्या होती है, जूल, एम्पियर, सेकंड, किलोवाट या किलोवाट घंटा। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किलोवाट घंटा की इकाई से हम घरों में विद्युत की खपत को मापते हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई थी कि वह उसे ना ले जाए, क्यों, क्योंकि बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है, वह पकड़ने में फिसलने वाला हो सकता है, उस पर जंग लग सकता है या छाता उड़कर दूर जा सकता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बादलों से जो विद्युत विसर्जन होता है वो छाते के धातु भागों तक जा सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोल या किलो जूल। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, यानी परमाणु की त्रिज्या का मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ध्वनि गुजर नहीं सकती, यानी ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा निर्वात, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती। फिर कह रहा है कि ध्वनि की गति किस में न्यूनतम होती है, वायु में, जल में, काष्ठ में या इस्पात में। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वायु में, वायु में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए क्यों होता है, यानी तो दिवाली के टाइम में क्या होते हैं कि हम घरों के बाहर पटाखे जलाते हैं, लेकिन थोड़ी उनके जलने के बाद ही हमें ध्वनि सुनाई देती है, जलते पहले ध्वनि बाद में आती है, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, या ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रकाश होता है उसकी गति ध्वनि की गति से ज्यादा तेज होती है, इसलिए जब भी बिजली कड़कती है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, बाद में आवाज आती है। फिर कह रहे हैं कि कर्णफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, नहीं जो ईयरफोन लगाते हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी बी नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, हमारे फोन से विद्युत ऊर्जा निकलती है जिससे ईयरफोन क्या करते हैं उसे ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लगा के आराम से गाने वगैरह या कुछ भी सुन सकते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने वाला मात्रक क्या कहलाता है, माइक्रॉन, नॉटिकल माइल्स, ओम, एम्पियर या डेसीबल। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एकाउस्टिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का, ध्वनि का, विद्युत का, चुंबकत्व का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अंधेरे में चांद चिड़ी उड़ने के कारण अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, आंखों की पुतलियां काफी बड़ी होती हैं, उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगे सहायक होती है, इनमें से कोई नहीं, यानी चांद चिड़ी एक चिड़िया है जो अंधेरे में उड़ती है, तो अंधेरे में क्यों उड़ती है, उसका रीजन क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगे सहायक होती हैं, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन कौन सा है, यानी किसका हम उपयोग करते हैं, अल्टीमीटर का, केथोमीटर का, हाइड्रोमीटर का या मैनोमीटर का। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केथोमीटर, केथोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में अर्धचालक कौन है, यानी
चांदी, सिलिकॉन, रबड़ या स्वर्ण, इसमें से अर्धचालक कौन है, जिसमें चालक और अचालक के बीच की कड़ी है, यानी चालकता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन सही है, सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। फिर कह रहे हैं कि रडार में जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी किरणें होती है, अल्पा किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म तरंगे होती है। फिर कह रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, डायनामो, इन्वर्टर, यूपीएस या मोटर। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डायनामो। तो यहाँ आप हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। याद कर लीजिए कि सभी आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए, और अगर आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।